नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जो आपके लिए न्यूज लेकर आया हूँ उसे बताते हुए दोस्तों मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं बता दूं कि आज जो हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर से 68 साल पहले जो दोस्तों धारा 370 ए लगाई गई थी, आर्टिकल 35 ए लगाया गया था, उसको आज फाइनली दोस्तों हटा दिया गया है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दिन और गौरवपूर्ण दिन है। दोस्तों जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आर्टिकल 35 ए को हटाने का ही ऑर्डर है, जिसे दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आज ही दोस्तों सिग्नेचर किया और इसको हटा दिया गया है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि अब जम्मू कश्मीर में आगे क्या होगा और कश्मीर और कन्याकुमारी तक दोस्तों पूरा भारत एक हो चुका है, उस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले वह सही व सटीक रूप से मिल सके। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो आर्टिकल 35 ए और 370 धारा थी उसमें जितने भी जो रूल लगे हुए थे वो सभी हटा दिए गए थे। वो रूल क्या क्या थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए दोस्तों, जो ये लिखा हुआ है आज ये जाकर सच हुआ है। मोदी सरकार ने दोस्तों, भारत सरकार ने इसको सच कर दिया है। कितने सालों से इसका इंतजार था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है कहा जाता था, लेकिन दोस्तों आज इसकी वास्तविकता में पुष्टि कर दी गई है। दोस्तों मैं बता दूं, जो आर्टिकल 35 ए था जो 1954 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सिफारिश था उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिग्नेचर करके लागू कर दिया गया था, उस आर्टिकल में यही था कि इसे डायरेक्ट दोस्तों एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा राष्ट्रपति अपनी सिग्नेचर से हटा सकता है और उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर के स्टेट में लेजिस्लेटिव होंगे यानी जो विधानसभा में होंगे उनकी सहमति से इसे हटा दिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति ने दोस्तों इस पर सहमति दे दी। उसके बाद में भी जम्मू कश्मीर में गवर्नर का रूल है तो जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने भी इस पर अप्रूवल दे दी और जो धारा 370 और 35 है वो मैं बता दूं पूरी तरह से खत्म की जा। दोस्तों आज जो अमित शाह है उन्होंने दोस्तों मोदी जी की सहमति से, पूरी कैबिनेट की सहमति से, पूरे भारतवर्ष के लोगों की दोस्तों जन भावनाओं को रखते हुए राज्यसभा में इस कानून को और दोस्तों इसको हटाया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब आगे क्या होगा। तो आगे की बात यह है दोस्तों कि अब जम्मू कश्मीर को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो लद्दाख का पार्ट हो गया और एक जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया और इन्हें यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर होगा उसमें दोस्तों एक विधानसभा होगी और दिल्ली की तरह एक अलजी होंगे, उपराज्यपाल जी होंगे, और जो लद्दाख है वहां पर डायरेक्ट ओनली जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है उनका शासन होगा। और अब आपको मैं ये बात और बता दूं कि जो 370 धारा में क्या था उन सभी को हटा दिया गया है। तो धारा 370 में ये था कि जो भारत के नागरिक थे उन्हें भारत की नागरिकता के साथ साथ जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेनी पड़ती थी। वहां पर दोस्तों 5 साल के कार्यकाल की जगह 6 साल का कार्यकाल होता था। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग तिरंगा था जिसको भी अब समाप्त कर दिया गया है। अब वहां पर दोस्तों किसी भी अन्य स्टेट का व्यक्ति जाकर है वो अपना मकान ले सकता है, घर ले सकता है। ये दोस्तों राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी जीत है, हर एक भारतवासी के लिए जो दोस्तों भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की कामना करता है उसके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है कि आज आर्टिकल 35 ए धारा 370 को पूरी तरीके से हटाया जा चुका है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कई जो पार्टियां विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी सपोर्ट किया दोस्तों, उनका भी हमें आभार जताना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी हुई दोस्तों, बीजेडी हुई, बीजू जनता दल ओडिशा का, वाईएसआर कांग्रेस हुई, टीएमसी, टीआरएस हुई, दोस्तों इन सभी ने है वो धारा 370 में हटाने में हमारी गवर्नमेंट का साथ दिया उनका। लेकिन जो दोस्तों कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साहब हैं इन्होंने इसका विरोध किया और धारा 370 के खिलाफ बोले। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे भारतवर्ष की बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है। आज असल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हो चुके हैं और पाकिस्तान इससे अड़बड़ाया हुआ है, वो कह रहे हैं हम ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। अरे पाकिस्तान तुम कितने मुकदमे करोगे, तुम अभी मुकदमा कुलभूषण जाधव पर किया था वो भी 15-1 से हार गए, अब फिर मुकदमा कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज पूरा भारत दोस्तों एक है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और सभी को बताएं कि आर्टिकल 35 ए और 370 हट चुके हैं, इसमें क्या प्रोविजन थे, इसे किस प्रकार से हटाया गया, ये भी पूरी जानकारी दीजिए। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। एक बार आप भी मेरे साथ जहां बैठे हैं वहीं से बोलिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।